नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टॉक ट्रेडर्स मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि लंबे समय में अगर आप निवेश करना चाहते हैं किसी ETF में, ठीक है, लंबे समय में अगर आप किसी ETF में निवेश करना चाहते हैं तो आप कौन से ETF में निवेश करने से आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, ये आज हम जानने का प्रयास करेंगे डाटा के माध्यम से। तो वीडियो में बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देख के जाइएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, ये स्मार्ट स्टॉक ट्रेडर्स मेरा यूट्यूब चैनल है। जो मेंबर्स नए जुड़े हैं, अगर दिल से पैसा कमाना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। इसमें बहुत सारा ETF का नॉलेज हम लोग देते रहते हैं अपने चैनल पर, सब बहुत सारा स्ट्रेटेजी जो ऑलरेडी डाला हुआ है और जिसमें जाकर आप सीख सकते हैं। और ETF में स्विंग ट्रेड करना आपके लिए बच्चों का खेल बन जाएगा अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि बेल नोटिफिकेशन को आप दबाइएगा तो ही नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुँचेगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं, चार्ट के ऊपर चलते हैं और एनालाइज करते हैं कि सबसे ज़्यादा फायदेमंद ETF कौन सा हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले ये ETF की जो 22 ETF की जो लिस्ट है वो मैंने अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया है। इसमें जो मल्टी बैगर ETF है, आज हम उन्हीं का चर्चा करने वाले हैं, बाकियों का हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हम लंबे समय में निवेश करने के लिए इस एनालिसिस का उपयोग करने वाले हैं। दूसरा ये कि अगर आप स्मार्ट SIP एक्सेल सीट के माध्यम से निवेश करते हैं तो आपका मैच्योरिटी अमाउंट जस्ट डबल हो जाएगा। अगर आपने 5% भी लंबे समय में एक्स्ट्रा कमा लिया जो इसने रिटर्न दिया ETF ने, तो आपका मैच्योरिटी अमाउंट उस मात्र 5% से डबल हो जाएगा, डबल से ज़्यादा हो जाएगा, करीब 2.5 गुना हो जाएगा। तो मल्टी बैगर ETF में जो ETFs आते हैं उनका मैं आपको नाम बोल दे रहा हूँ जिन्होंने अच्छा खासा रिटर्न दिया है पिछले 15 सालों में। बैंक बीज है, निफ्टी बीज है, ठीक है, गोल्ड बीज है, NASDAQ 100 है, और IT बीज का डाटा अवेलेबल नहीं है 15 सालों का, वो लास्ट 3 ईयर्स का है। तो हम एक एक करके ग्राफ चेक करेंगे कि बैंक बीज ने कितना दिया, निफ्टी बीज ने कितना दिया, गोल्ड बीज ने कितना दिया और NASDAQ 100 ने कितना दिया, ठीक है। लास्ट हम ऑल टाइम यहाँ सेलेक्ट करने वाले हैं ग्राफ पे, ऑल टाइम सेलेक्ट करके हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि सबसे ज़्यादा रिटर्निंग जो है वो लंबे समय में कौन सा ETF देता है। तो सबसे पहले बैंक बीज का ग्राफ मैं खोल ले रहा हूँ। ऑल टाइम सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, बैंक बीज ऑल टाइम, ठीक है, 2015 1 जनवरी, आप डेट देख लीजिए नीचे में, 2015 1 जनवरी को स्टार्ट हुआ था बैंक बीज। प्राइस क्या था, प्राइस था इसका 198.11, ठीक है, 198.11 बैंक बीज इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। और अभी क्लोजिंग प्राइस है 404.68, ठीक है। अब हम निफ्टी बीज चेक कर ले रहे हैं, निफ्टी बीज का ग्राफ खुल रहा है, ग्राफ खुल गया, ऑल टाइम सिलेक्ट ऑलरेडी किया हुआ है, 2015 1 जनवरी को इसका जो प्राइस था, फिर से ऑल सिलेक्ट कर ले रहे हैं, इसका प्राइस था यहाँ पे 89.61, ठीक है, 89.61 निफ्टी,
ठीक है, अभी इसने क्लोजिंग दिया है 191.46 का, 191.46 का क्लोजिंग दिया है। उसके बाद हम चेक करेंगे नेक्स्ट जो मल्टीबैगर जिसका बहुत नाम है गोल्ड बीज, ठीक है, इन सब में वॉल्यूम भी आपको हमेशा मिलेगा, निफ्टी बीज, बैंक बीज, गोल्ड बीज में, इसमें लिक्विडिटी की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वॉलीटिलिटी भी ठीक ठाक मिल जाती है और इसमें रिटर्न भी बहुत अच्छे मिलते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं इसका भी 1 जनवरी को इसका प्राइस था 25.66, ठीक है, आप देख सकते हैं 25.66, अभी क्लोजिंग दिया है 47.78 पे, 25.66 ये रहा गोल्ड बीज, 25.66, 47 दिया, 47.78 पे इसने क्लोजिंग दिया है। उसके बाद नैसडेक 100 हम लोग चेक कर ले रहे हैं एक बार, नैसडेक MON 100, ग्राफ खुल रहा है नैसडेक 100 का, जिसको MON 100 इसका कोड है, इसको MON 100 भी बोला जाता है, इसको ऑल टाइम फिर सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। 2015 आप चेक कर लीजिए, यहाँ से यहाँ पे मैंने रख दिया 26 रुपया 10 पैसा, क्लोजिंग 98.51, 26 रुपया 10 पैसा, 98.51, ठीक है, मैच कर गया नैसडेक 100, 26 रुपया 10 पैसा, 98.51। ITBs का नाम है मल्टीबैगर में, तो ITBs को एक बार देख लिया जाए, ITBs का मैं ग्राफ खोल रहा हूँ अभी आपके सामने, ऑल टाइम सेलेक्ट कर रहा हूँ ITBs के लिए, ITBs जो था फ्रेंड्स वो जुलाई 2020 में आया था और हम 2015 से डाटा पकड़ रहे हैं, तो 2020 कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लंबे समय में बराबर के टाइम फ्रेम में जब तक एनालिसिस नहीं किया जाए, कोई रिजल्ट समझ में नहीं आता है, उसका कंक्लूजन निकाल पाना मुश्किल है। तो इसको हमने यहाँ पे नो डाटा अवेलेबल लिख दिया है, गोल्ड भी चेक कर लिया, निफ्टी भी चेक कर लिया, बैंक भी चेक कर लिया, नैसडेक 100 चेक कर लिया, ITBs को नो डाटा अवेलेबल मैंने लिख दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। नैसडेक 100 में एक चीज़ आपने शायद नोटिस नहीं की, अभी तो इंडस्ट्री डाउन है, IT इंडस्ट्री, ठीक है, लेकिन इसने एक पीक बनाया था, अगर उस पीक को हम लोग पकड़ के चलें कि कितना रिटर्निंग दिया, वो मैं बाद में दिखा दूंगा आपको, कंसीडर करके चले 120 तक ही हाई गया था, अभी 198 पे है, बाद में हम लोग 120 डाल के भी देख लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। 120 तक गया था ये, देखिए 120 तक गया था ये। तो अभी हमने डाटा नोट कर लिया कि 1 जनवरी 2015 को इसकी वैल्यू गोल्ड बीज, निफ्टी बीज, बैंक बीज, नैसडेक 100 की इतनी थी, और हमने ये नोटिस कर लिया कि 1 फरवरी 2023 को इसकी वैल्यू इतनी थी, ठीक है फ्रेंड्स, फरवरी में इसकी वैल्यू इतनी थी। अब हम क्या करेंगे, ये टाइम स्पेन हो गया 23 माइनस 15, एक साल का एग्जैक्ट टाइम स्पेन हो गया, 8 सालों में, ठीक है, कितना टाइम्स पैसा बना है आपका, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, 2023 में जो था उसको डिवाइड करेंगे 2015 से, तो ITBs तो एकदम नो वैल्यू है क्योंकि हमने इसको एनालिसिस नहीं किया है, गोल्ड बीज ने आपका पैसा 1.86 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, गोल्ड बीज ने आपका पैसा 1.86 टाइम मल्टीप्लाई किया है, मतलब दोगुना से थोड़ा सा कम किया है, निफ्टी बीज ने 2.25 गुना 2.14 निफ्टी बीज ने किया है, गुड, अच्छा है, बैंक बीज ने किया है 2.04 गुना, मतलब 2 गुना के आसपास, नैसडेक ने किया है 3.77, मतलब अप्रोक्सीमेटली 4.25 गुना, ठीक है। तो विनर कौन हुआ, फर्स्ट आया नैसडेक, फर्स्ट विनर आया नैसडेक 100, सेकंड कौन सा आया, निफ्टी,
ठीक है, हमारे देश के शेयर मार्केट का इंजन, ठीक है, जिसको हम शेयर मार्केट का फेस कह सकते हैं, निफ्टी, जो कि बहुत लोगों का फेवरेट भी है, ये बाहर का है। जो नेस्टेक है इसमें टेक कंपनीज हैं यूएस की, ठीक है, 100 कंपनीज है इसमें, लिस्ट आप गूगल से जाके एक बार चेक कर सकते हैं। अब मैंने क्या आपको बोला था कि ठीक है, माना कि 98.51 इसने शो किया 2023 में, लेकिन एक बार पीक डाल के देखते हैं, सब ऑलमोस्ट पीक पे है, गोल्ड भी पीक पे है, निफ्टी भी पीक पे है, बैंक भी पीक पे है, लेकिन नैसडेक जो है वो डाउन है। ठीक है, आप देख सकते हैं नैसडेक डाउन है, सेक्टर डाउन है इसलिए। तो अगर हम 120 यहाँ पे पुट करते हैं, 120.57 गया था, 120 अगर यहाँ पे पुट करके देखते हैं कितना रिटर्निंग दिया था जब पीक पे था, तो 8 सालों में 4.5 गुना पैसा किया इसने। तो लंबे समय में अगर आप नैसडेक में SIP कर सकें, निवेश कर सकें, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। डिसीजन आपका है, ये सिर्फ एक एनालिसिस है, ठीक है, ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किस में करना है निवेश। तो नैसडेक जो है इसमें 4.6 ऑलमोस्ट 5 गुना इसने किया, बहुत अच्छा इसका रिटर्निंग है। बाकी का अगर देखते हैं पीक पे है कि नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं, तो बैंक बीज जो है ऑलमोस्ट पीक पे है, थोड़ा सा डाउन है, ऑलमोस्ट सब पीक पे ही है, ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अगर इसका 436 हम लोग डालते हैं पीक वैल्यू, ठीक है, बैंक बीज का 436 डाल के देखते हैं, तो 436 2.20 2.20 2.25 कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया। निफ्टी 20 का अगर डालते हैं हम लोग पीक वैल्यू, जब वो पीक पे था तो कितना रिटर्निंग दिया था, क्योंकि जब आप एनालिसिस करते हैं तो उसको हर तरीके से आपको देखना चाहिए, ठीक है। तो 205 डाल देते हैं यहाँ पे, 205 हम लोग डाल रहे हैं निफ्टी का, 205 डाला, ऑलमोस्ट 2.3। बैंक निफ्टी और निफ्टी 20 का रिटर्निंग लगभग सेम है, लगभग दोनों का सेम है, लेकिन स्विंग ट्रेड करने के लिए ये वाला अच्छा है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ शेयर्स कम है तो इसकी वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, मतलब बैंक निफ्टी 20 के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा वॉलीटिलिटी रहती है, शेयर के जितनी तो नहीं, लेकिन अच्छी खासी मिल जाएगी आपको बैंक बीज में। स्विंग ट्रेड अगर आप करते हैं तो वॉलीटिलिटी अच्छी मिलती है। फिर देखते हैं गोल्ड बीज का, एक बार पीक डाल के देख लेते हैं, गोल्ड बीज ने कितना आपको रिटर्निंग दिया है पिछले 8 सालों में, ठीक है, अगर पीक पे होता तो हमने कितना कमाया होता, एक बार चेक कर लेना ज़रूरी है। तो इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं, ये फ्रेंड्स ऑलमोस्ट पीक पे है, ठीक है, ऑलमोस्ट है, लेकिन फिर भी एक बार जो वैल्यू है उसको डाल के देख लेते हैं, 47 है, तो 48.74 पे गया था ये पीक पे, 48.74 पे गया था, 48.74, ठीक है, ये पीक वैल्यू पे है। पीक वैल्यू पे इसने 2 गुना फिर भी नहीं किया, निफ्टी 20 बैंक 20 2 गुना 2.25 गुना के आसपास है दोनों, 2.29 निफ्टी बीज है, बैंक बीज है 2.20, नैसडेक है ऑलमोस्ट डबल, ठीक है, मतलब इनके रिटर्निंग से डबल, इसने 2.25 तो इसने 4.5 गुना पैसा किया है, थोड़ा सा ज़्यादा। तो नैसडेक की रिटर्निंग आपने देखी कि 2.25 निफ्टी दे रहा है पिछले 8 सालों में, तो नैसडेक दे रहा है जब पीक पे होता तो 4.5 देता, 2.25 का दुगना 4.5 दुगना रिटर्निंग, ठीक है, दुगना रिटर्न, दुगने टाइम्स पैसा मल्टीप्लाई किया, तो उसने 2 गुना किया तो उसने 4.5 गुना किया। तो एनालिसिस से ये समझ में आता है कि नैसडेक जो है उसको हम इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं अगर इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाना है ETF में, तो क्योंकि नैसडेक जो है वो उसका रिटर्निंग बहुत अच्छा है, ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी के मुकाबले में अगर हम कंपेयर करते हैं
तो नेस्डे का रिटर्निंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बाकी जो ETFs है उसका रिटर्निंग इतना अच्छा नहीं है, दोनों से कम है, बैंक 20 निफ्टी 20 से कम है, ठीक है। बाकी तो कोई कईयों का तो रिटर्निंग है ही नहीं 5 सालों में, अभी लोअर वैल्यू पे भी ट्रेड कर रहे हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा सा देखना पड़ेगा अगर लॉन्ग टाइम के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। नैसडेक 100 में आप SIP कर सकते हैं, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, या स्मार्ट SIP कर सकते हैं एक्सेल शीट की मदद से। मैंने वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है, आप जाके मेरे चैनल पर चेक कर लीजिए, ठीक है। फैक्टर सेम रखिएगा, निफ्टी वाले फैक्टर ही रख लीजिएगा इसमें, बस आपको LTP चेंज कर देना है, वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आशा करता हूँ कि इस एनालिसिस से ज़रूर कुछ आपको सीखने को मिला होगा, और मैं इसी तरीके की वीडियोस लेके आता रहता हूँ। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिए, और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी तो एक थम्सअप भी ज़रूर दे दीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी ऐसे नॉलेजफुल वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।